आप किसी भी आदमी से इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर मिलते हैं तो पहला काम ये होगा कि वो बोलेगा कि ही हैज गॉट नो टाइम फॉर आइदर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली, ही हैज गॉट लॉट ऑफ जॉब टू डू एंड ही इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप इस स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और ये चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप सोचे कि स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर लें, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको आपको मैनेज ही करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपको अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताऊंगा कि आप इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं सो दैट यू कम आउट एज ए विनर और एज ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। नाउ यू मे बी ए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, यू मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड, आप हो सकता है किसी टाउन में रहते हो, या हो सकता है कि आप किसी बड़े शहर में या मिडिल क्लास सिटी में रहते हो, लेकिन स्ट्रेस का फैक्टर सबके लिए एप्लीकेबल है। और ये जो मॉडल मैं आपको दे रहा हूं ये भी सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी जॉब में हो। अब आप देखिए इस बकेट को, आप देखिए दिस इज योर बकेट ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज। अब इसमें इनलेट सिर्फ एक है और बाहर जाने के रास्ते हैं पांच। अब ये जो इनलेट है इसके थ्रू क्या क्या है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज कौन से, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपका स्किल सेट, आपकी कैपेबिलिटी टू मैनेज द जॉब, ऑल दोज फैक्टर्स दे आर योर पर्सनल रिसोर्सेज। और ये कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गिविंग एडुकेट रेस्ट टू योर बॉडी, मेंटेनिंग इट वेल, गेटिंग गुड न्यूट्रिशन, ऐसा जॉब आपने लेना है जो आपके लिए स्टिमुलेटिंग हो। आपको ऐसी फैमिली है क्या आपके पास जो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है, या फिर ऐसे दोस्तों का सर्किल है जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो आप समझिए कि आपकी बकेट में पर्सनल रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होने वाली है, आप किसी भी स्ट्रेस को झेल सकते हो और जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आप देखिए लीकेज, लीकेज में कोई बीमारी भी हो सकती है, मीन्स जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कम करे वो बीमारी किसी को भी हो सकती है। आपको अगर नींद नहीं ढंग से आती, या आपको न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिलता, या आप अपना लाइफ स्टाइल आपने इस तरीके का रखा हुआ है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लीकेज होने वाला है। यू ऑट टू बी वेरी क्लियर, आई एम वेरी श्योर यू अंडरस्टैंड कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे या ड्रिंकिंग करेंगे या ऐसा कोई भी एडिक्शन करेंगे तो ये रिसोर्सेज ऑब्वियसली आपके लीक होंगे। अब आप देखिए आपके ऊपर दूसरा लीकेज कहाँ होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स का। आपका बॉस है, आपके कुलीग्स हैं, आपके टारगेट हैं, आपके ओवरऑल डिमांड ऑफ द वर्क विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स आल्सो। आप सेल्स मार्केटिंग में है तो आपको जाना पड़ेगा, कस्टमर्स की भी डिमांड है, प्रेजेंटेशन भी देने पड़ेंगे, ये सब चीजें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड में रहते हैं। और इसके लिए अगर आपके पास नेसेसरी स्किल सेट है तो ऑब्वियसली आप इसको मैनेज कर पाएंगे, ये लीकेज आपका फिर कम से कम होगा। तीसरा इमोशनल डिमांड, आपकी फैमिली की, आपकी फ्रेंड की, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, ये सब डिमांड है। और अगर बाई एनी चांस अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड की जो डिमांड है वो भी आपके ऊपर आएगी। नाउ मैं इसमें एक बात के लिए आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं कि आपको जितने भी लीकेज हैं ये आप एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ऑब्वियसली इमोशनल डिमांड्स आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा आएंगी, वो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। अनदर एग्जाम्पल, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर कम हैं और आप ऐसा लोन ले लेते हैं जिसका ईएमआई अच्छा खासा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा। यू विल फेस स्लीपलेस नाइट्स। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो यू शुड नो द रिसोर्सेज विच यू आर हैविंग इन योर बकेट सो दैट यू कैन मैनेज योर लीकेज वेल। अगला एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इट कैन बी समथिंग लाइक समर, समथिंग लाइक विंटर, ए कोविड एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज अफोर्ड। इफ
somebody can pick up 50 kg weight, that is his capability. और अगर आप उसको 100 kg weight दें उठाने के लिए, उसको stress होगा कि नहीं होगा? Obviously होगा. तो be careful about all these leakages. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो leakage हैं, आपके resources से ज्यादा हो रहे हैं? बड़ी simple सी बात है. जब आपको लगे हाँ नींद डिस्टर्ब हो रही है, बॉडी सिग्नल दे रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर लेवल लेफ्ट राइट हो रहा है, या ऐसा कोई इंडिकेशन मिल रहा है, आपकी फैमिली नाराज है आपसे, ऑल दोज फैक्टर्स दे टेल यू दैट लीकेजेस आर वेरी मनी वेरी मैनी एंड यू हैव टू इंक्रीज योर पर्सनल रिसोर्सेज. सेम थिंग आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑफिशियल पॉइंट. नाउ Have you got the skill set which you require in your official job? For example, you are into sales and marketing and you have to deal with customers. Have you got the skills to maintain your social relationships? Have you got the skill to manage your boss or the colleagues or the, you know, regional directors? If you have got all that, there should not be any issue. But if you don't have that, obviously, aapko wo skill set pick up karna padega. The point is, आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे या फिर आपको लीकेजेस कम करने पड़ेंगे. आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर. अच्छा, अब इसके लिए माइंड सेट आपको बनाना पड़ेगा. ये मॉडल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स लाइफ के बारे में कैसे होने चाहिए. अगर आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते रहेंगे कंटिन्यूसली, ये तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे. मैं आगे जो वीडियो आएंगे उसमें भी बताऊंगा. लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाते रहेंगे और लीकेज को ढंग से मैनेज करेंगे तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा. जो लोग चादर छोटी है और पैर लंबे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने बड़ी क्रूड सी लैंग्वेज में बता दिया, वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है. और ये किसी भी लेवल पे होगी, हायरार्की के किसी भी लेवल पे होगी. कई लोगों को लगता है जब उनका प्रमोशन हो जाएगा तो उनको स्ट्रेस कम हो जाएगा. नहीं, इट इज अदर वे अराउंड, स्ट्रेस बढ़ जाएगा. ये आदत आप अभी से डाल दें, चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर कॉर्पोरेट में हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, किसी में भी जॉब में हो, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा. अब आप देखिए, क्या आपने अपने आप को एक ऐसा इंडिविजुअल डेवलप किया है जहां पे लीकिंग चल रही है कंटिन्यूस, तो आपके रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. जब बचेंगे नहीं तो स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस का पहला स्टेज होगा अलार्म स्टेज. जब आपको आइडिया लग जाएगा कि यस देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ, समथिंग इज गोइंग बैड. सेकंड स्टेज विल बी व्हेन यू विल बी फाइटिंग. एंड थर्ड स्टेज विल बी When your body or your mindset will give up के नहीं भैया अब तो स्ट्रेस हो ही गया. The point is अलार्म स्टेज पे आपको सावधान हो जाना पड़ेगा कि मुझे अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, चाहे वो इमोशनल रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे स्किल सेट हो. अगर आप इस माइंड सेट के साथ चलेंगे, आई गिव यू गारंटी कि जिंदगी में आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और ये ही चीज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे. थैंक यू सो मच. मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. दिस इज कर्नल वीरेंद्र कुमार साइनिंग ऑफ.